हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई अतुल कुमार फ्रॉम एलएन बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन। चलिए मैं आपको 11th का सील पढ़ा रहा हूँ। सील के कंडीशन में बहुत सारी लेक्चर निकली है, कोई बात नहीं, आप वीडियो वॉच कर सकते हैं हमारे चैनल पे, और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, आपकी अच्छी भविष्य के लिए मैं कामना करता हूँ। चलो, जो भी हो रहा है वो अच्छा तो नहीं हो रहा है नेचर में, बट कोशिश करिए कि जितना भी हो एकदम बिल्कुल अच्छा हो। जो भी होता है वो कहा जाता है अच्छा के लिए होता है, ठीक है ना। हम घर बैठे भी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। हमारे ऑनलाइन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, ठीक है ना। और ऑफलाइन तो आपकी चलती ही है, ठीक है। और बिल्कुल वहाँ पे आप एक्चुअली एडमायर कर सकते हैं हमारे हर चीज़ों को, हमारे वीडियो को, हमारे लेक्चर को, ठीक है ना। तो बनती है यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो एकदम बिल्कुल बनती है। ये करो तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलती है टीचर को। आप कहीं भी किसी को भी देखते, किसी को भी वॉच करते, कहीं पे भी जाते, तो बिल्कुल ये सारे के सारे चीज करा करिए, ताकि कहीं ना कहीं आपकी बातों से, आपके इरादों से उनको साफ जाहिर हो कि हम आपको पसंद हैं, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं है, चलिए आ जाइए, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्या कि एक हमने सेल ओवरव्यू ऑफ द सेल बता दिया है। अब यहाँ पे सेल के कंडीशन में बात करेंगे कि सेल में हमने कहा क्या कि अकॉर्डिंग टू द डुगलर ऑर्गेनाइजेशन देयर आर थ्री टाइप ऑफ सेल्स। मैनुअली आपके एनसीईआरटी लिखती है कि दो तरह के सेल होते हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है, दूसरा यूकैरियोटिक सेल्स होता है। थोड़ा सा डीप इनसाइड जाएंगे, बट अभी नहीं, थोड़ा सा आप दम धरो, ठीक है। हमने कहा कि प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशंस, न्यूक्लियस के ऑर्गेनाइजेशंस के बेस पे अपन बात करते हैं तो दो तरह के न्यूक्लियस सेल होते हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक सेल्स, दूसरा यूकैरियोटिक सेल्स। बस मेरी मानो तो कितने तरह के सेल होते हैं, तीन तरह का, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक एंड मेसोकैरियोटिक। यहाँ पे बात करते हैं, यदि दो ही टाइप की बात करते हैं तो ये वॉन नील नामक साइंटिस्ट ने क्या कहा था, ये टर्म दिया था प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। लेकिन दूस नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था, इसका जो है मेसोकैरियोटिक को इन्वेंट करा। उन्होंने बोला कि ये तीसरी टाइप की भी सेल होती है। तो चलो, अकॉर्डिंग टू द न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशंस देयर आर थ्री टाइप ऑफ सेल्स। मैं थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करूंगा, फिर आपको समझ में आएगा। अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजेशन देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स। कौन कौन सा है यहां पे बात करूंगा, ठीक है ना। एक तो हमारे पास है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा यूकैरियोटिक सेल। डिफरेंस भी अपना हो जाएगा, ठीक है ना, यूकैरियोटिक सेल। और तीसरा जो बीच वाला है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं बीच, मीजो बोले तो बीच में, मीजो कैरियोटिक सेल। चलिए, इस सब को कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम करेंगे और डिफरेंशिएट भी हो जाएगी हमारी, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाइए, इसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम करें तो देखिए क्या कह रहे हैं। एक चली प्रोमिस होता है बेटा प्रिमिटिव, क्या होता है प्रिमिटिव, या प्रोमिस क्या होता है फॉल्स, क्या होता है फॉल्स। यहाँ पे कैरियोटिक बोले तो कैरियन, ग्रीक वर्ड है, कैरियन का मतलब होता है बेटा न्यूक्लियस, मतलब कि वैसा सेल जिसका न्यूक्लियस क्या हो जी, प्रिमिटिव हो, फॉल्स हो। वैसा सेल जिसका न्यूक्लियस, जिसका जिसमें क्या हो, जिसका जिसमें जिसका न्यूक्लियस कैसा हो, फॉल्स हो, प्रिमिटिव हो, उस टाइप के सेल को क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो क्या फॉल्स, क्या प्रिमिटिव, उसकी बात करेंगे। तो कहा कि फॉल्स और प्रिमिटिव कहने का मतलब है बेटा कि न्यूक्लियस तो होगा, बट न्यूक्लियस जो है बॉन्डेड नहीं होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। क्या होगा, न्यूक्लियस तो होगा बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस बॉन्डेड नहीं होगा। दैट मीन्स कि इसके पास जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल क्या होता है जी, मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होता है। हिंदी चलेगा ना,
उस टाइप के सेल को, ठीक है ना, दैट टाइप ऑफ सेल इज नॉन एज, दैट टाइप्स ऑफ सेल इज नॉन एज, नॉन एज को इसे लिखता हूँ KNOWN, नॉन एज को शॉर्ट में मैं ऐसे लिखता हूँ, नॉन एज प्रोकैरियोटिक सेल। क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। अब कंडीशन क्या है कि ये तो हमारी हो गई, अब एग्जांपल के तौर पे आप किसको रखोगे? तो जितने भी बैक्टीरिया है, जितने भी बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया तो छोड़ो, हम बड़े ग्रुप में चलेंगे कि अकॉर्डिंग टू द RH विटकर पूरी जीव को, दुनिया में जितने भी जीव है उसको 5 किंगडम में उन्होंने क्या क्या है बांट दिया। कितने किंगडम में? 5। दुनिया में जितने भी जीव है सारे के सारे जीव को क्या क्या है 5 किंगडम में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाय, प्लांटी और एनिमेलिया। इसमें मोनेरा के कंडीशन में जो पहला है बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का, उसमें सिर्फ और सिर्फ बेटा बैक्टीरिया है। क्या है? सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया था। इसको किसको लेगा हम? मोनेरा। एक पूरे के पूरे किंगडम को ही हमने उठा लिया। और बैक्टीरिया के कंडीशन में बहुत सारा बैक्टीरिया हो सकता है। क्या भैया? आरके बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, आरके बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया। इसको बोले तो BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। अरे आ जा रहा है क्या? इसमें हम बात करेंगे आरके बैक्टीरिया में थोड़ा ध्यान, बहुत सारा है, ठीक है ना। यहाँ पे बात करते हैं तो ढेर सारा बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया का कंडीशन में है, बैसिलस है, ठीक है ना, टाइफमेरियम है, बहुत सारा है, एग्रोबैक्टीरियम, बहुत बहुत सारा है। यहाँ पे समझ में आ जाएगा, PPLO है, माइकोप्लाज्मा है, ठीक है ना, ये सारे के सारे कंडीशन में है। अब हम बात करते हैं कि इसका यू मीन्स क्या होता है बेटा। वहाँ प्री था तो यहाँ प्रिमिटिव था, तो यहाँ एडवांस्ड होगा। यहाँ यू है तो इसका मतलब फॉल्स था, तो यहाँ क्या होने वाला है? ट्रू। और कैरियोटिक तो आप जानते हो, कैरियन, और कैरियन मीन्स क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस। मतलब कि वैसा सेल जिसका न्यूक्लियस कैसा हो बेटा? ट्रू हो, एडवांस हो। तो क्या ट्रू, क्या एडवांस? तो कहा कि वह टाइप का न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस और एंड मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल आर प्रेजेंट, मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल आर प्रेजेंट, दैट टाइप ऑफ सेल, दैट टाइप्स ऑफ सेल इज नॉन एज क्या भाई? यूकैरियोटिक सेल आ जाएगा, उसको क्या कहते हो? यूकैरियोटिक सेल्स। तो एक तो हमारा प्रोकैरियोटिक है, उसको छोड़ करके जितने भी किंगडम है मोनेरा के अलावा ऑल आर यूकैरियोट्स। तो एग्जांपल में किसको रखोगे बेटा? 4 किंगडम है हमारे पास, कितना? 5 किंगडम था तो एक तो मोनेरा चला गया, 4 किंगडम है। एक क्या है जी? प्रोटिस्टा। दूसरा क्या है जी? फंजाय, फंगी नहीं पढ़ने का, फंजाय। तीसरा क्या है? प्लांटी। और चौथा क्या है बेटा? एनिमेलिया। सारे के सारे एनिमल, एनिमेलिया, एनिमल एक में, सारे प्लांट एक में, सारे फंजाय एक में, प्रोटिस्टा, ये सब के कहीं ना कहीं ये डस्टबिन है। आगे पढ़ना है, उसमें सारे के सारे जीव रहते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सब होंगे उसमें, प्रोटिस्टा में, तो जाने दीजिए उसको। तो हमारे पास ये हो गया, लेकिन अब हमें एक डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि भैया मेजोकैरियोट यूकैरियोट कैसे कैसे बोलते। तो कहा कि ये बीच बीच वाला सेल होगा। मीजो मतलब क्या हो गया? मिडिल। मतलब कि न्यूक्लियस तो होगा बट कैसा? कैरियोटिक बोले तो कैरियन, और कैरियन बोले तो न्यूक्लियस। मतलब कि वैसा सेल जिसका न्यूक्लियस कैसा हो? बीच वाला हो, मिडिल वाला, ना तो प्रोकैरियोटिक के जैसा हो ना ही यूकैरियोटिक सेल के जैसा हो, बीच बीच वाला हो। कहा कि बीच वाला कैसे हो सकता है? तो थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लेता हूँ, आ जाएगा। यहाँ पे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करते हैं बेटा, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें नहीं होता और इसमें होता और इसमें भी होता, ठीक है। दूसरी कंडीशन है कि यहाँ पे DNA में बात करते हैं, तो DNA के कंडीशन में हिस्टोन प्रोटीन की बात करो। DNA के कंडीशन में बात करते हैं किसका? हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन की बात करते हैं, हिस्टोन प्रोटीन की बात करते हैं। तो बेटा क्या कंडीशन है? हिस्टोन प्रोटीन यहाँ नहीं होता है, यहाँ भी नहीं होता है और यहाँ होता है। तो देखो ना, दो तो कंडीशन हम अप्लाई कर ही सकते हैं कि भैया यहाँ पे हम बात करेंगे
कि एक तो कैरेक्टर हमारा दिख गया कैसा है यूकैरियोट के जैसा, और एक कैरेक्टर हमारा कैसा दिख रहा है प्रोकैरियोट के जैसा। इसलिए हमारा कैसा है जी, मीजोकैरियोटिक सेल से बीच बीच वाला कैरेक्टर है इसमें। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम बात करेंगे, इसकी एग्जाम्पल भी तो देना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल है डायनो फ्लेजलेट। ये दोनों प्रोकैरियोट और यूकैरियोट टर्म देने वाला साइंटिस्ट का नाम है, ये दोनों का टर्म का देने वाला नाम है वॉन नील, और ये इसको टर्म देने वाला साइंटिस्ट का नाम है डोच। इसका वर्ड क्या आ जाएगा, ये हमारा हो गया छोटा सा, मतलब कि प्रोकैरियोटिक एंड मीजो बेसिक लेवल पे। अभी हमने दोनों में डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश नहीं करा, ठीक है, आगे चल के हम लोग करने वाले हैं। तो अब हमें एक एक सेल को लेकर के चलना पड़ेगा कि कौन सा है प्रोकैरियोटिक सेल्स, कौन सा है यूकैरियोटिक सेल्स। तो चलिए हेडिंग बनाइए, आप प्रोकैरियोटिक सेल्स लिखना स्टार्ट करिए, उसमें हम लोग बैक्टीरिया को डिटेल देखने वाले हैं। तो चलिए इसको नोट करिए जल्दी।